के गोद में पलता है। निर्माण कार्य हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, हम सभी को आज तक हमारा अधिकार, हमारा सम्मान यह तनसाह सरकार नहीं दे रही है और वादा खिलाफी से हम लोग बहुत आहत हैं। तो इस वीडियो का अंश मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। पूरा वीडियो के देखने के लिए आप चैनल पर बने रहे। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कौशल सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि आने वाले 11 तारीख यानी मंगलवार को बजरंग बली का दिन है। सभी शिक्षक ज्यादा से ज्यादा संख्या में गर्दनी बाग 11 बजे पहुंचे और 11 बजे से विधानसभा घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी आप सभी चैनल पर देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक में विवाद हुआ है, तो शिक्षा मंत्री चले गए माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास। लेकिन इतने दिन से शिक्षक चिल्ला रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। आइए देख ले रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय उप मुख्यमंत्री तक, बिहार के सभी पदाधिकारी तक अपना आवाज बुलंद करेंगे कि आ रहे हैं पटना, जितना लाठी गोली है सब तैयार रखिए, हम लोग गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण के बितियरवा आश्रम से संकल्प लेकर आंदोलन के मैदान में उतर चुके हैं। सभी मेरे भाई बहन, आप लोग जानते हैं कि बिहार के तमाम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षक इस बार एकजुट हो गए हैं, एक मंच पर से महासंग्राम का आह्वान कर चुके हैं आप लोगों से कि अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर हम लोगों को अब संघर्ष के मैदान में उतरना होगा। इसलिए तमाम साथी से आग्रह है कि आज शुक्रवार है और मंगलवार को आप लोगों को पटना आना है। 11 जुलाई को ऐतिहासिक कर देना, ऐतिहासिक दिन बना देना है 11 जुलाई को। हम सभी के अभिभावक, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आदरणीय रघु शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, दोनों के नेतृत्व में बिहार के तमाम प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के लाखों लाख शिक्षक भाई बहन अपने मान सम्मान अधिकार के लिए 11 जुलाई 2023 यानी कि आने वाला मंगलवार को पूरा पटना को जाम कर दिया जाएगा। पूरा पटना आएगा, अब आराम करने का समय नहीं रहा। देखिए, शेख इरफान साहब भी भागलपुर से जुड़ गए, अरविंद तिवारी सर भी आ गए हैं, सब भाई बहन का स्वागत है। पंकज वर्मा सर भी जुड़ गए हैं, जितनी भी हमारी बहना है सबका स्वागत है, सब भाई का स्वागत है। प्रकाश जी भी सीतामढ़ी से जुड़ गए हैं, सबका स्वागत है। मोनिका मैडम का भी स्वागत है। सब लोग भाई बहन अब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर महासंग्राम में उतरने का तैयारी कर लीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा 11 जुलाई को पटना में बिहार विधानसभा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन और घेराव का ऐलान कर दिया गया है। हम तमाम प्रारंभिक शिक्षक संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ के इस ऐलान का समर्थन कर दिए। इस बार कोई बैनर नहीं, कोई नारा नहीं, कोई संघ संगठन का खेल नहीं। माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक नारा दे दिया है, मात्र एक है मांग हमारी, सभी कोटि के शिक्षक को करो सरकारी। बस राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त हमको चाहिए। तो इस बार सरकार का कोई चालबाजी नहीं चलेगा। आप सब लोग वाकिफ हैं कि बिहार में लगातार हर स्तर पर जांच का चल रहा है। अरे क्या जांच चल रहा है, 20 साल से हम काम कर रहे हैं, 20 साल से लगातार
जिस स्कूल में ताला बंद पड़ा रहता था उस स्कूल को खोलकर नियोजित शिक्षक आज गुलजार कर दिया है। जहां दूर दूर तक बच्चे नहीं दिखते थे वहां आज बच्चों से स्कूल चहक रहा है। आप हमारा जांच कीजिएगा, हम तो स्वागत किए हैं इस जांच का कि सब राजनीतिक लोग जो बयानबाजी करते थे कि शिक्षक भगोड़ा है स्कूल नहीं जाते हैं उनके मुंह पर कालिख पुथ गया है। शिक्षा विभाग जो जांच अभियान चला रहा है वह हम तमाम शिक्षकों का जो ये लोग बयानबाजी करके हम लोगों का समाज में छवि धूमिल करते थे उस सब छवि हम लोगों का यही लोग साफ करते हैं। पूरे विद्या बिहार में 1 जुलाई से लगातार जांच चल रहा है। सभी 70,000-75,000 स्कूलों में जांच किया गया, पॉइंट में भी 0.1% 2% भी शिक्षक कहीं अनुपस्थित नहीं पाए गए, सब अपने कर्तव्य पर डटे मिले। कितना जांच कीजिएगा, जितना मन है उतना जांच कीजिए, लेकिन आप ड्रामाबाजी नहीं चलेगा, जांच आप करिए। हम 20 साल से स्कूल जा रहे हैं, हमारे सारे लाखों लाख भाई बहन ईमानदारी से क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, समय पर विद्यालय जाते हैं, समय पर विद्यालय आते हैं, और इस जांच में भी यह साबित हो गया। अब जब आपको माननीय शिक्षा मंत्री क्या कहे थे, अभी हम वही बयान दिए थे, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण लिया मंत्री पद का, शिक्षा मंत्री पद का, और पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, पहले शिक्षक आउटपुट देंगे तो उनके समान काम समान वेतन राजकर्मी का दर्जा और पुराना पेंशन पर हम विचार करेंगे। बहुत बढ़िया माननीय शिक्षा मंत्री जी, साल भर हो गया हम 20 साल से आउटपुट दे रहे हैं। अरे आपको तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले आ करके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद देना चाहिए था बिहार के 5 लाख 4 लाख प्राइमरी से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक को कि जिन्होंने आपको अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर शिक्षा मंत्री बना दिया। राजद को सरकार बनाने का अवसर प्रदान कर दिया। आप वादा किए थे कि समान काम समान वेतन देंगे तो शिक्षकों ने ठोंक के सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपको वोट कर दिया। और जब हमारा वोट लेकर के आप सरकार में आ गए, सरकार आपकी बन गई, हमको कहने लगे, हर मंच पर पहले आते थे जब विपक्ष में थे तो कहते थे हम सरकार बनाएंगे तो शिक्षक को समान काम समान वेतन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। आप पहले मंत्री बनने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह दिए कि आप आउटपुट दीजिए, आप पढ़ाते नहीं हैं। और जब से मंत्री आप बने तब से साली नियोजित शिक्षक को आप बेइज्जत करने का काम किए, पूरे देश दुनिया के सामने कि शिक्षक यहां के जो है पढ़ाने नहीं आता है, इनमें प्रतिभा नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थियों पर आपने गलत बयानबाजी किया, सब हम लोग देखे सुने अपमान का घूंट पीते रहे। समय आता है, सबका आता है। आज जो आप लोग आपस में लड़ करके पूरे बिहार की बदनामी करा रहे हैं, शर्म माना चाहिए सभी लोगों। और इस लड़ाई झगड़ा में आप शिक्षकों के मांग को दबाना चाहते हैं, हम लोगों को भटकाना चाहते हैं, हम लोग कहीं नहीं भटकने वाले हैं। आप आउटपुट मांगे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी, और शिक्षा विभाग के जो अभी आए हैं अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी ने ये जांच अभियान चला करके आउटपुट आपके टेबल पर पहुंचा दिया है कि सारे विद्यालयों का जांच हो गया, 100% शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं, सारे लोग अपने कर्तव्य पर डटे हुए हैं और ये पूरे निष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। हो गया जांच, मिल गया आपको आउटपुट। आप लड़ाई झगड़ा आप लड़ते रहिए, ये सब दिखावा ड्रामा ये सब कहीं और चलाइएगा। ये बिहार के शिक्षक जो है ना जात पात में बहकने वाले हैं, ना संघ संगठन में उलझने वाले हैं। इस बार सीधा सीधा हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आना है, कोई पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा, और प्राइमरी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शिक्षक एक साथ एक मंच से बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा करने के लेने के लिए पटना में विधानसभा का चारों बगल से घेराव करने के लिए पटना पहुंच रहे 11 जुलाई। आप सुन रहे थे बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, जिसमें आपने सुना कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संघ जो भी हैं सभी एक साथ आह्वान कर चुके हैं 11 तारीख को महासंग्राम का।
तो सभी शिक्षक आए और महासंग्राम का भागी बने, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा तो आपको ऐच्छिक तबादला भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं ऐच्छिक तबादला के वजह से अभी 1 जुलाई से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण में देख रहे हैं कि 40-45 किलोमीटर शिक्षकों को जाना पड़ रहा है, तो सुबह 7 बजे से जाना पड़ रहा है और बारिश हो जा रही है तो और परेशानी बढ़ जा रही है। इसलिए अपने हक और अधिकार के लिए 11 तारीख को 11 बजे गर्दनी बाग पहुंचे और अपना हक लड़कर प्राप्त करें, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि 2003 से शिक्षा मित्र की जब से बहाली हुई है तब से बिना लड़े हुए बिना संघर्ष के कुछ शिक्षकों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।